वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी जी के सो यस्टरडे वी डिस्कस दी ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ फ़िजिक्स दर आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस कंपिटिटिव एग्जाम्स आज हम डिस्कस करेंगे अनदर ट्वेंटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ़ फ़िजिक्स सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में कहते हैं कि द ग्राफीन इज द ऑप्शन आर गिवेन ए अलॉय ऑफ कार्बन बी नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन

नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ अ सेमी कंडक्टर सो ऑप्शन गिवेन है एल्यूमिनियम बी सिल्वर सी लेड और डी सिलिकन तो इनमें से क्या सेमी कंडक्टर है सो so, इसका आंसर है डी दैट इज सिलिकन सिलिकन इज़ अ सेमी कंडक्टर और एक और अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर इज जर्मीनियम जर्मेनियम इज़ ऑल्सो अ सेमी कंडक्टर अगर आपको सिलिकन की जगह जर्मनियम गिवन है दैन इट इज़ ऑल्सो अ सेमी कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर डिवाइजेज़ को बनाने में वी यूज़ सिलकन और जर्मेनियम राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द फिनिना दैट इज़ यूज इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज द ऑप्शन इज गिवन टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन बी रिफ्रैक्शन सी स्कैटरिंग और डी डिफ्रैक्शन सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर में लाइट uh, को ट्रांसमिट करने के लिए जो फिनिना यूज होता है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में कहता है कि द साउंड विल हैव द हाइस्ट वेलोसिटी इन साउंड की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में होती है ऑप्शनस आर ए वैक्यूम बी वाटर C steel और D air. Now here I need to tell you that जो sound होती है उसकी सबसे high velocity solid में होती है. अब इनमें से जो options given हैं उनमें से solid क्या है? That is steel. तो इसका correct answer है steel. Okay? So sound की सबसे highest velocity is in solid. So next question देखते हैं. Next question है question number twenty five. The book A Brief History of Time has been written by whom? ये क्वेश्चन प्रीवियसली यू पी एग्जाम ट्वेंटी में पूछा था तो इसके ऑप्शन गिवन हैं स्टीफन हॉकिंग बी जे वी नार्लिका सी सी वी रमन और डी आइंस्टीन सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए स्टीफन हॉकिन्स ये स्टीफन हॉकिस की बुक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट बुक नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम रॉन्जन विलियम विलियम रॉन्जन ने इनमें से क्या इन्वेंट किया है तो ऑप्शनस आर ए रेडियो बी एक्सरे मशीन सी इलेक्ट्रिक बल्ब और डी नन ऑफ दी अबव सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी एक्सरे मशीन एक्सरे मशीन विलियम रॉन्जन ने डिस्कवर की इन्वेंट की यू कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कहता है कि रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी ऑप्शनस आर मैक्स प्लैंक बी हेनरी बेक्यूरल सी डब्ल्यू फॉक्स स्टाइल और डी नील बोर्ड सो रेडियो एक्टिविटी जो डिस्कवर की गई थी दैट वॉज बाय हेनरी बेक्यूरल तो इसका आंसर है बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट गैल्वनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र गैल्वनोमीटर इनमें से क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है तो ऑप्शनस आर ए मैग्नेटिक फ्लक्स बी इलेक्ट्रिक करंट सी वोल्टेज और डी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है द आंसर इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर है बी दैट इज़ इलेक्ट्रिक करेंट ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग सन इज़ ड्यू टू दी जो आप जैसे देखते हो सन जब सेट होता है और वेनेवर इट राइजेज तो स्काई का जो कलर होता है वो थोड़ा ऑरेंजिश हो जाता है रेडिश सा हो जाता है जो सन का कलर होता है वो बहुत रेडिश होता है ना वाई इट इज सो तो इसके पीछे क्या रीज़न है तो इसके पीछे जो रीजनस हैं उसके ऑप्शन गिवन हैं ए डिस्पर्जन ऑफ लाइट बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट तो इनमें से क्या इसका रीज़न है द आंसर इज़ सी दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी अर्थ एटमोसफेयर इज हीटेड बाय अर्थ एटमोसफेयर इनमें से कौन से प्रोसेस से हीट होती है तो ऑप्शनस आर ए कंडक्शन बी कन्वेक्शन सी एडवेक्शन और डी रेडिएशन तो अर्थ एटमोसफेयर कौन से प्रोसेस से हीट होती है अर्थ एटमोसफेयर इज हीटेड बाई कन्वेक्शन प्रोसेस राइट सो कन्वेक्शन के थ्रू अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो हीट होता है दैट इज़ आंसर नॉन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये है कि द फ्रीकुवेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल और यू कैन से द साउंडव्स ऑडिबल जो और साउंड वेव्स होती हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ऑप्शन गिवन है लेस देन ट्वेंटी हर्ट्स और ट्वेंटी uh, हर्ट्स से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स और यू कैन से ट्वेंटी किलो हर्ट्स सी ऑप्शन है मोर देन ट्वेंटी हर्ट्स ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स और डी नन ऑफ दी अबब तो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी 20 हर्ट से 20,000 थाउजेंड हर्ट्स ये होती है फ्रीक्वेंसी रेज किसी भी ऑडिबल साउंड की ऑडिबल या साउंड वेव्स की जो आप सुन सकते हो राइट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इस कि एटॉमिक बॉम्ब जो हिरोशिमा और नागासाकी नागासाकी पे ड्रॉप किया गया था वो किस ईयर में ड्रॉप किया गया था तो आंसर क्वेश्चन ये है कि किस ईयर में ये हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान की यू नो सिटीज़ हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट तो इन पे जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान तो ये कौन सी ईयर में किया गया था सो तो ऑप्शंस आर ए नाइनटीन बी नाइनटीन सी नाइनटीन और डी नाइनटीन सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी 1945. 1945 इज़ द ईयर जब हिरोशिमा और नागा साहब पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 33. फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है ए ज़ीरो बी इन्फिनिटी सी पॉजिटिव और डी नेगेटिव सो जो फोकल लेंथ होती है किसी भी प्लेन मिरर की वो होती है बी दैट इज़ इन्फिनिटी ऑल राइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी ऑल्सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर रॉकेट वर्कस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन रॉकेट जो होता है वो इनमें से कौन से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड है बेसिकली सो इसके ऑप्शन हैं ए लीनियर मोमेंटम बी कंजर्वेशन ऑफ मास सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और डी द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रॉकेट जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल दैट इज़ बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कहता है कि एस आई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज जो सरफेस टेंशन है उसकी एस आई यूनिट क्या होती है इनमें से ऑप्शनस आर ए किलोग्राम पर मीटर क्यू बी न्यूटन पर मीटर और सी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और डी किलोग्राम पर मीटर सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी न्यूटन पर मीटर जस्ट रिमेंबर दिस थिंग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑप्शन आर गिवेन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर और बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर और सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और डी नन ऑफ दी अबव तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो क्या होता है मतलब बेसिकली प्रेशर के साथ चेंज होने पे उसकी क्या रिलेशन है तो इट इज़ दी इट इट इज़ हैविंग अ इन्वर्स रिलेशन विद द प्रेशर दैट मींस कि जब भी मेल्टिंग प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज होता है तो आंसर है बी तो इन्वर्स रिलेशनशिप है जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और जब भी आपका प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का इंक्रीज़ होगा जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ना लेट्स मूव टू दैक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन शेविंग मिरर जो होता है वो क्या यूज करता है ए कॉन्वेक्स मेरा बी कॉन्केव मेर सी प्लेन मेर और डी नन ऑफ दी अब तो शेविंग मिरर में क्या यूज होता है शेविंग uh, मिरर में जो यूज होता है वह है आपका कॉन्केव माइट now let's move to the next question that is question number thirty eight which of the following electromagnetic wave has the highest frequency फ्रीक्वेंसी इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, वेव की हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ये सभी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हैं आपकी right तो इनमें से हाइस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है ऑप्शन आर यू वी रेज इंफ्रा रेड वेव्स गामा रेज और रेडियो वेव्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी गामा रेज गामा रेज की सबसे हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब क्या होगा लोवेस्ट जिसकी भी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वेव कम होती है और right? और जिसकी भी वेव की वेव बहुत ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी देर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू ठीक है न्यू इज इक्वल टू आपका एच सी बाय लैमडा कुछ होता है ना तो इन्वर्स रिलेशन ये है आपकी फ्रिक्वेंसी ये है आपका वेवलेंथ तो इन्वर्स रिलेशनशिप है Now let's move to the next question. That is question number thirty nine. Question number thirty nine कहता है कि the value of g that is gravity. Gravity की value maximum कहाँ पे होती है? A equator, B poles, C nearby areas of poles और D none of the above. तो जो gravity है उसकी maximum value होती है. इन दोनों option में ही आपको ज़्यादा confusion होगा and that is जो gravity है उसकी maximum value होती है B poles पे. और इक्वेटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम सबसे कम वैल्यू इक्वेटर पे होती है ग्रेविटी की फाइन नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर फोर्टी इट सेज की और क्रीम सेपरेटर क्रीम सेपरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन आर गिवेन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल और नन ऑफ दी अबव सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेंट्री फ्यूगल फोर्स क्रीम सेपरेटर सेंट्री फ्यूगल फोर्स पे बेस्ड होता है सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस लेसन नेक्स्ट लेसन में हम कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी के से रिलेटेड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे